थायराइड की दवाई कितनों ने बंद कर दी? ये तो बीपी शुगर पूछा। थायराइड की दवाई, खड़े हो बाबा, कितने कब से खा रहे थे? भाइयों को और बहनों को बहुत ज्यादा है थायराइड की समस्या। थायराइड की दवाई बहनों ने कितनों ने बंद कर दी? पहले तो भाई को पूछते हैं, बहनों ने कितनों ने बंद की? अभी यहां आकर के तो बंद कर दिया करो, यहां भी खाती रहती है। अजी मर जाएंगे। अरे मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। हाँ बाबा जी, ओम ओम। मैं जमशेदपुर से देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी, आपका 2000 से फॉलो कर रहा हूँ। मैं 5 साल से थायरोग्रिड की गोली, थायरो केयर के लिए गोली खा रहा था। वो यहाँ आके एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। शुगर की गोली खा रहा था, शुगर भी एकदम नॉर्मल है मेरा। शुगर भी नॉर्मल, कल मैं टेस्ट कराया 93 आया। शुगर की भी दवा बंद, थायराइड की भी दवा बंद। मुझे बीपी नहीं था, मोटापा में मुझे 5 किलो का फायदा हुआ। लो, मोटापा भी ठीक हो गया। एक आते हैं एक बीमारी के लिए, बीमारियां 10 ठीक होती हैं। मैं अपनी पत्नी को भी लाया हूँ, पत्नी का 5 किलो वजन कम हुआ। कहाँ है पत्नी? पत्नी अभी आ नहीं पाई, उनके पैर में दर्द हो रहा था। वो भी ठीक हो जाएगी। ये एक एक करके ना, ये कुटुंबा है, कुटुंब खानदान, एक फैमिली है, बीमारियों की एक फैमिली है। और ये सब रिश्तेदार हैं, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अर्थराइटिस, ये गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, ये सब रिलेशनशिप है इनकी, ये सब बीमारियां हैं। और सारा कुटुंबा, सारा खानदान, इसका बीज नाश होता है योग से, आयुर्वेद से, यज्ञ से। साथी लोग पूछते हैं कि आपको वहाँ जाके फायदा हुआ क्या? मैं बताया तो बोलते हैं यार आके मुझे भी बताओ। मैं बोला वहाँ के मैं नहीं बताऊंगा आपको, बाबा की सेवा में, बाबा के पतंजलि में जाके ही लाभ मिलेगा। मेरे बताने से आपको क्या फायदा मिलेगा? कम से कम यहाँ आओ, यहाँ आकर के रहने का 7 दिन का एक्सपीरियंस ही अलग है। यहाँ सेवा, लोग फालतू में इधर उधर घूमते रहते, यहाँ सेवा माहौल ऐसा मिलेगा कि आपको अब अंदर से आपको अच्छा लगेगा। चलो, आपने तो कई बोझ उतार दिए अग्रवाल साहब, बहुत आशीर्वाद, खुश, बहुत बहुत। और थायराइड की दवाई किसने बंद की? बहनों ने, जिनको थायराइड की दवा, आगे आ जाओ बहन, आगे आ जाओ। थायराइड की बहुत दवाइयां खाती हैं बहनें, और बहनों को तो ज्यादा ही होता है, इतनी नाजुक होती है ना, इतनी संवेदनशील होती है। ये पुरुष ऐसे ही थोड़े से खड़ूस होते तो थोड़ा कम होता है इनको थायराइड का रोग। जी ओम बाबा जी। ओम। मैं 2006 से थायराइड की दवा खा रही थी, और जब से आपका थायरोग्रिट आया उसको शुरू कर दिया, वो भी ख़त्म हो गया। और बीपी भी था, वो भी, पहले मैं मुक्तावटी लेती थी तो उससे मेरा नाक बंद हो जाता था। फिर मैंने ये जो बात कह रही है ना, किसी किसी की मुक्तावटी से नाक बंद हो जाती, ठंडी पड़ती है वो किसी किसी के लिए, तो उसके लिए फिर वो या तो नस्य कर लिया करें अणु तेल का, ज्योतिषमती का, या फिर बीपी ग्रिट ले लो, बीपी ग्रिट से नाक बंद नहीं होती। ये एक बात वैसे ही बता दी मैंने बीच में। क्या नाम बहन आपका? जी मेरा नाम कुमुद पांडे है, मैं अहमदाबाद से आई। क्या नाम? कुमुद पांडे। कुमुद जी, कुमुद पांडे जी। तो अब बीपी कैसा है जी? अब मैं एक केवल बीपी ग्रिट लेती हूँ। अच्छा। वो भी मेरा ब्लड प्रेशर बराबर है, लेकिन एक डर कह लीजिए, जो कह लीजिए। बीपी ग्रिट ले लो ना, मैंने बोला ना उससे नाक बंद नहीं होती ना। जी नहीं, ये दोनों उदाहरण तुम्हारे सामने दे दिए मैंने। और मेरा शुगर बढ़ना शुरू हुआ था, क्योंकि मदर को मेरा शुगर था, और मेरी एक छोटी सिस्टर शुगर की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो मेरा जैसे ही शुगर बढ़ना शुरू हुआ तो मैं चीनी वीनी सब छोड़ दिया, और आपका एक मधुनाशिनी मैं सुबह में लेती हूँ, उससे मेरा शुगर भी एकदम कंट्रोल, शुगर भी ठीक कर ले। और थायराइड, और बता, थायराइड भी सर एकदम वही बस है, कम है, 4 से नीचे, ऑलवेज 4 से और 3 से नीचे आता है। हाँ, लेकिन है, एक थायरोग्रिड मैं लेती हूँ बस। ले लो, उसमें क्या है जी? थायरोग्रिड धनिया के पानी के। अब ये, अब मैं जब ऐसा बोलता हूँ तो मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अरे तुम मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह मत लगा, ये अपने खत्म कर लो रोग। साहब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2020 में, मैं गिर गई थी, मुझे कमर में चोट लगी थी, मेरी कलाई टूट गई थी। उसके बाद मैं जब ठीक हुई कोरोना काल में, वैसे मैं तो आपको 2003 से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन कोरोना काल में इतना नशा हो गया आपके योग का और प्राणायाम का, मैं बता नहीं सकती, मेरे सारे रोंगटे खड़े हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। और अभी तो मैं 5 से लेके और 7:30 तक टीवी के आगे से हटती नहीं हूँ, या मोबाइल लगा के सारा करती हूँ। मैंने 11 किलो वजन कम किया है। 11 किलो वजन। और उम्र कितनी होगी आपकी कुमुद? मेरी उम्र 57 साल है, 57 साल की उम्र है, और अभी 35 से ज्यादा नहीं लग रही है, इतनी यंग हो गई है। चलो, ये भी एक बहनों को बड़ा चाम रहता है इस बात का कि मैं यंग दिखूं,
तो वो भी हो गया, कुमुद का पूरा जीवन ही रूपांतरित हो गया। ये सारा श्रेय आपको जाता है साहब जी, और आपका ही सारा प्रोडक्ट मेरे घर में आता है, जो नहीं मिलता है वही हम बाहर से ले आते हैं। और सर जी, हम नौकरी जिसमें करते हैं, हमारे हस्बैंड जिसमें नौकरी करते थे, उसमें अगर एक पैरासीटामोल भी लेना हो या लाखों का खर्चा हो ट्रीटमेंट का, मेरा एक पैसा नहीं लगता, सारा गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट पैसा देती थी, गवर्नमेंट सब, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं किया जी। नहीं, गवर्नमेंट पैसा तो दे देगी, पैरासीटामोल तो दे देगी, स्टीराइड इंजेक्शन भी लगवा देगी, ऑपरेशन भी करा देगी, लेकिन मेरा शरीर तो मेरा है ना जी, इसके ऊपर क्यों क्रूरता अत्याचार करूं मैं? नहीं, इसका बहुत बड़ा हमें नुकसान भी होता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंटल बॉडी बना लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है हमें। ये कहते हैं आपको क्या लगा, आपको पैसा थोड़ी ना देना, पैसा तो गवर्नमेंट दे रही है, तू खा। जी, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इसमें पूरी तरह से रखा है। मेरे हस्बैंड का तो बीपी खत्म ही हो गया, वो एकदम दवा नहीं लेते जी। अब बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, सारे घर घर में प्रमाण है, अब मेरे से प्रमाण मांगते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ मेरी शुरुआत में अर्थराइटिस का भी हो रहा था, मुझे अस्थमा का भी हो रहा था, एलर्जी था साहब मुझे, मेरी नानी को था, उसका मुझे आया था, लेकिन भस्त्रिका से वो मेरा चला गया। आज से 4 साल पहले मैं बोल नहीं सकती थी लगातार, मुझे सांस के, अब तो आपकी आवाज एकदम बुलंद है। जी जी जी।